धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, धन्य पिता परमेश्वर के इस सुंदर से सुबह के लिए पिता आपने हमें चुना है। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता की सुंदर से सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। पिता परमेश्वर आपने हमें एक नया दिन दिया। पिता परमेश्वर आपने हमें एक नया दिन दिखाया पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपसे प्रार्थना कर सकें पिता, आपसे विनती कर सकें। धन्यवाद करते हैं खुदा मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आपने धरती आकाश और पृथ्वी को रचा पिता परमेश्वर, हर एक मानव इंसान को इस पृथ्वी पर बनाया पिता परमेश्वर, जो इसमें उपलब्ध है पिता परमेश्वर। जो भी धरती में कुछ है पिता, वो सब आपके हाथों की रचना है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके वचनों के माध्यम से पिता प्रार्थना करते हैं, ताकि आप हमारी प्रार्थना का सुने। आज जितने मसीह भाई बहन जुड़े हैं, उन सभी मसीह भाई बहनों से मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको प्रार्थना करना है तो आपको अपने सच्चे दिल से, अपने दिल में किसी प्रकार की कोई कड़वाहट ना रखें। पिता तभी आपकी प्रार्थना सुनेगा। विश्वास रखना और भरोसा रखना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पूरी प्रार्थना को सुनिएगा, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर आपके बच्चे के जीवन में, आपके परिवार में, आपके नौकरी के जॉब में, हर प्रकार की समस्याओं में, हर एक कामों में, बिजनेस में, जो आप करना चाहते हैं उसमें परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने। आज अपने मन से, अपने मुँह से आपको बोलना है कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर से सुबह के लिए। ये किसी भी टाइम आप प्रार्थना करते हैं, जब भी किसी भी टाइम आप प्रार्थना करते हैं, तब अपने मन को, संपूर्ण मन को यहोवा की ओर लगा करके, आपको ध्यान केंद्रित करके आपको प्रार्थना करना है। ना कि आप काम करते हैं प्रार्थना सुनते जाते, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा आपके पास समय नहीं है, आपके पास समय है, आपको निकालना पड़ेगा। परमेश्वर से बातें आपको खुद करना पड़ेगा। आज इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, आज मैं आपके जीवन के लिए और अपने जीवन के लिए, अपने सभी मसीह भाई बहन के जीवन के लिए प्रार्थना और दुआ करेंगे, ताकि प्रभु हमारे जीवन में काम कर सके, हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सके। तो इसीलिए वचनों के माध्यम से पहले हम वचन को स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। आज आपको वचन को ध्यान से सुनना है, ताकि जो परमेश्वर हमें वचन देता है वो अपने ओर से देता है, वो पवित्र आत्मा की ओर से जो वचन हमें मिलता है, बहुत मसीह भाई बहन के जीवन को परमेश्वर बदलता है, उसकी लाइफ को, उसके जीवन को चेंज करता है, क्योंकि वो सच्चा खुदा है, वो सच्चा परमेश्वर है, धरती आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, उसने सब कुछ बनाया है। इस बात को याद रखना, उसके हाथ में सब कुछ है। अगर आप चिंतित हैं, आप बीमार हैं, आपके घर में बहुत सारी समस्या है, मैं जानता हूं बहुत मसीह भाई बहनों का रिश्ता, जो परिवार का रिश्ता है या फिर पति और पत्नी का रिश्ता, बहुत नाजुक हो चुका है, बहुत कमजोर हो चुका है। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करिए। बहुत लोग फोन कॉल्स करते हैं, उसके माध्यम से उनके घर के लिए, परिवार के लिए दुआ करते हैं। आज इस प्रार्थना को आप विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर काम कर सके, आपको बहुतायत से परमेश्वर आशीष दे सके, आपकी जरूरतों को पूरा कर सके परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाले, हर एक चीज़ को देने वाले पिता आप हैं। उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना हो पिता परमेश्वर। इसीलिए परिषद के वचन को देखते हैं। परिषद वचन कहता है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। पिता आज आपको प्रार्थना करना है कि हे पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना जो है, जो मैं करता हूँ पिता, अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे पिता, ताकि मैं आपकी स्तुति कर सकूँ, आपसे प्रार्थना कर सकूँ, आपसे विनती कर सकूँ। मेरे संकट के दिन में अपना मुँह मुझसे मत छिपा ले पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपकी संतान हूँ, मैं आपके बेटा हूँ। जानता हूँ पिता कि मैंने जीवन में कुछ गलतियाँ की, लेकिन आज पिता परमेश्वर मैं आपसे वादा करता हूं पिता कि आज से मैं आपके वचन पे चलने की पूरी कोशिश करूंगा, और जाने अनजाने में जो भी मुझसे भूल हुई हो, गलती हुई हो पिता, उसको क्षमा करें। आज आपको परमेश्वर क्षमा करेगा, आज आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर की महिमा करना है, आपको स्तुति करना है, उसके वचन को सुनना है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष दे, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। जो भी आप चाहते हैं आपके घर में, परिवार में, वो सब कुछ परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन उससे पहले आपको विश्वास रखना होगा, कुछ समय परमेश्वर को आपको देना होगा, चाहे वो 15 मिनट हो, 10 मिनट हो, लेकिन अपने संपूर्ण मन से आपको परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है। इसी बात को लेकर के हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, और बहुत मसीह भाई बहनों की गवाहियाँ आती हैं, उसके जीवन परमेश्वर काम करता है। तो आइए देखते हैं और वचन को पढ़ते, यहाँ पर लिखा है,
मेरे संकट के दिन अपना मुझसे मत छिपा पिता परमेश्वर। ये आपको बोलना है, जब मैं वचन को बोलता हूँ तो आपको भी बोलना है, इस बात को याद रखना। अपना कान मेरी ओर लगा पिता परमेश्वर। हे पिता, अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती करके मेरी तो सुन ले पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता कि आप मेरी प्रार्थना को बहुत फुर्ती के साथ सुनते हैं, बहुत तेजी के साथ सुनते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं। उनके घर में, परिवार में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, वो बहुत कमजोर पड़ चुके हैं, बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं पिता। उनके जीवन में परमेश्वर उनको आशीष दीजिए, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को, हर एक प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। विश्वास रखना और भरोसा रखना, परमेश्वर ने जो भी कुछ कहा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा कहता है। आज आपके जीवन में, आज मैं बहुत मसीह भाई बहन को देख रहा जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो इस समय बहुत पिता परमेश्वर अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं पिता। वो अपने आप को ये समझते हैं कि क्या मेरी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा, क्या मुझे उत्तर नहीं देगा, क्या मैं परेशान रहूंगा हमेशा, कब मेरी परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। मुझे इतने साल हो गए परमेश्वर के वचन को सुनते प्रार्थना करते, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं किया। याद रखना, जिस तरीके से प्रभु परमेश्वर ने कहा था, सबोपदेशक का अध्याय 3 में लिखा है, वहाँ पे परमेश्वर ने कहा था हर एक काम का निश्चित समय है। अगर आज आपके जीवन में दुख है, इस बात को नोट कर लेना या कहीं लिख करके रख लेना। मैं आज आपसे कहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ही दिनों के बाद इतनी खुशियाँ देंगे। अगर आज आप रोते हैं, आज आप परेशान हैं, आपको बहुत सारी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत जल्द आपको आशीषित करने जा रहे हैं। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के वचन पर बने रहेंगे, तो आपको जो काम चाहते हैं अपने जीवन में, अपने लाइफ, अपने बच्चों के परिवार में, माता पिता भाई बहनों के साथ जिस तरीके के आप व्यवहार चाहना है, उस तरीके आपको परमेश्वर देगा, उस तरीके परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन सबसे पहले आपको विश्वास रखना होगा, पिता मैं जानता हूँ मेरे जीवन में जो भी कुछ घटी हो, कमी हो, पूरा हो, या कुछ भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, मैं जानता हूँ पिता कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। ये विश्वास होता है, ये भरोसा होता है, ना कि हमारे जीवन में दुख आने से हम अपने कदम पीछे कर लें। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अगर दुख के समय में अगर परमेश्वर के साथ आप खड़े रहें, तो परमेश्वर आपको समझेगा कि ये सच्चा मुझे मानने वाला और परमेश्वर को धन्य कहने वाला यह बंदा है। तो आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को और इस वचन को सुनना, ताकि आपके अंदर विश्वास आए, आपके अंदर विश्वास आए, ताकि आप प्रार्थना को अच्छी तरीके से कर पाए, आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करे, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करे, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके। इसीलिए वचन में जो भी कुछ लिखा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, और जो परमेश्वर हमें वचन प्रार्थना में शामिल करने के देता है वो जरूरत होती है, हर एक मसीह भाई बहन की जरूरत है इन वचनों को सुनने की, ताकि आपके जीवन में विश्वास बढ़े, आप उन प्रार्थना को सुन सकें, और उन जिस तरीके अपने जीवन में, जिस तरीके से परमेश्वर ने बहुत मसीहों के जीवन में काम किया, आज उसी तरीके आपके जीवन में भी काम करेगा। क्या आपके बगल में जो इंसान है उसकी परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, आपके क्यों नहीं सुनता है? इसलिए क्योंकि उसका समय आ चुका है, आपका भी समय नहीं है। विश्वास रखना, धैर्य रखना और बने रहना प्रार्थना में, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करे। और परमेश्वर वचन ये भी कहता है, और मेरी हड्डियाँ किस तरीके से लुटकी के समान, जल के समान हो गई है। मतलब मेरी हड्डियाँ कमजोर पड़नी, मेरी शरीर, मेरी ताकत सब कमजोर पड़ने लगी है पिता। इसीलिए पिता मैं परमेश्वर भोर को मैं तेरी साथ पिता परमेश्वर प्रार्थना करके अपने जीवन के लिए मैं मांगता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे जीवन में ये काम करिए। हुआ आप तो जिंदा जीवित ही हो परमेश्वर है, मेरे बेटे के जीवन में, मेरे घर के जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरी बेटियों की शादी करना है पिता, मैं उसके लिए दुआ करते हूँ, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। और जिन मसीह भाई बहनों के लिए शादी करना है पिता, उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए और कहिए पिता कि मुझे पिता परमेश्वर एक अच्छा रिश्ता दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जो आप हमसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है ना बहुत अनमोल है, इस बात को याद रखना। परमेश्वर का जो प्यार है बहुत अनमोल है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में जिस तरीके से आपने याकूब के जीवन को पढ़ा होगा, आपने बहुत मसीहों के जीवन के बारे में पढ़ा होगा, उनके जीवन में कितनी दुख आती है, कितनी तकलीफें आती हैं, इस बात को आपने कभी सोचा है? क्यों? क्योंकि आज आपको सोचना पड़ेगा, आज आपको देखना पड़ेगा, आज आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, ताकि आपके जीवन में जो हर एक घटी और कमी है, जो आप इस समय अपने आप को कमजोर समझते हैं, जो मेरे भाई हैं और जो मेरे बहनें हैं वो अपने जीवन को बहुत लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके, बहुत लोग ऐसे हैं जो थक चुके हैं, लेकिन आज आपको थकना नहीं है, क्योंकि
परमेश्वर आपके जीवन में आने वाला है। आज आपके जीवन में परमेश्वर आने वाला है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपके जीवन में हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं, कहता है परमेश्वर का वचन, हे मेरे मन, यहोवा का धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। आज हमारे जीवन में जो भी कुछ है उसके पवित्र नाम को हम धन्य कहना है, हमें धन्यवाद करना है, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे मन, यहोवा का धन्य कह, और उसकी किसी भी उपज उपकार को ना भूलना। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर परमेश्वर ने मेरे जीवन में छोटा सा भी काम किया तो उसकी किसी भी उपकार को हमें नहीं भूलना है। वही तो तेरे सब अधर्म के कामों को क्षमा करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म के कामों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इस बात को याद रखना, जो हमारे जीवन में दुख होती, तकलीफ होती है, वही हमारे हर अपराधों को क्षमा करने वाला होता है। वही हमारे हर एक रोगों को क्षमा करने वाला और चंगा करने वाला होता है। वही हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला होता है। हमारे घर के, हमारे परिवार के, हमारे जो भाई मसीह भाई बहन होते हैं, उनके जीवन की रक्षा करता है परमेश्वर। इस बात को याद रखना कि परमेश्वर ने कहा है, तेरी जवानी किस तरीके से, परमेश्वर कहता है, तेरी जवानी उबाग के समान एक नई हो जाती है, क्योंकि जब परमेश्वर तेरे जीवन में किस तरीके से काम करता है। यहोवा पीसे हुए को हमेशा वो कहता है, मैं तेरी जीवन में काम करूँगा। जो इस समय कमज़ोर पड़ चुके हैं, निराश हो चुके हैं, अपने जीवन से परेशान हैं, डिप्रेस से हैं, चिंता से हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की प्रॉब्लम है, किसी की जॉब नहीं लग रही है, तो पिता आज आपके जीवन में आशीष की वर्षा करेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। इस प्रार्थना को आपको रिसीव करना है और कहना है, पिता मैं धन्य कहता हूँ, पिता परमेश्वर मैं आपकी ओर, पिता परमेश्वर नजरें झुका करके पिता प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर मैं आपको सिर झुका करके प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर मैं आपके सामने नजरें उठा करके बात नहीं कर सकता हूँ पिता, क्योंकि आप मेरे पिता हैं। इसीलिए जिस तरीके से पिता का आप आदर करेंगे, परमेश्वर उसी तरीके आपके जीवन में काम करेगा। विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, वो करुणा करने वाला है, वो दया करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, हमारी हर एक लालसाओं को पूरी करता है, हमारे प्राण को नष्ट होने से बचाता है, हमारे सिर पर दया और करुणा का मुकुट बांधता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे सब रोगों को चंगा करूंगा। तो किसी भी दुख में हो, किसी भी तकलीफ में क्यों ना हो, परमेश्वर आज आपके साथ खड़ा है। विश्वास रखना और भरोसा रखना, परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, उद्धार करता और जीवन देने वाला, वो परमेश्वर कहता है, हे यहोवा मन, परमेश्वर कहता है, हे मेरे मन, तू यहोवा का धन्य कह, हे मेरे मन, यहोवा तू अत्यंत महान ईश्वर है। पिता धन्य पिता परमेश्वर कि तू महान है। पिता परमेश्वर हमें विश्वास होना चाहिए कि उसका वैभव, उसका ऐश्वर्य, उसका वस्त्र जो पहने हुए है वो परमेश्वर हमारा है, जो उज्याला का बनाने वाला, अंधियारा का सृजनहार है, धरती आकाश को सृष्टि में करता, उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाला है। आज आपके जीवन में अगर एक पल के लिए आपकी सांस को रोक दिया जाए तो क्या आप इस पृथ्वी पर रहेंगे? नहीं। इसीलिए परमेश्वर हमें हर एक सांस, हर एक पल परमेश्वर मदद करता है, हमारी देख रेख करता है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस बात को याद रखना, किसी भी हालात में आप क्यों ना हो, किसी भी हालात और मुश्किल से आप क्यों ना चल रहे हो, आज आपके जीवन में परमेश्वर आप काम करने जा रहा है। आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तो किसी भी मुश्किल घड़ी से क्यों ना गुजर रहा हो, जिस दिन तू परमेश्वर का धन्यवाद करेगा उस दिन से लेकर के मैं तेरे जीवन को हमेशा चंगा करता रहूंगा और तुझे बचाता रहूंगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, यहोवा तो ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। जो हमारा परमेश्वर है, उसका जो सिंहासन है वो स्वर्ग में है, वो स्थिर किया और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर फैला हुआ है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने वाले को उसके जीवन में जाके काम करो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, तुम किस तरीके से उसके जीवन में परमेश्वर के
प्रार्थना कर सकते हो, उसके जीवन से लेकर के जुड़ी अपनी समस्याओं को रख सकते हो परमेश्वर के सामने। आज आपको चिंता नहीं करना, आज आपको विश्वास नहीं करना है, केवल आपको विश्वास और धैर्य आपको करना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, हे यहोवा तेरे काम अनगिनत हैं, इन सब वस्तुओं से तू ने बुद्धि से बनाया है। यानी जो भी आज आप देख रहे हैं, चाहे मानव को देख रहे हो, जानवर को देख रहे हैं, पक्षी को देख रहे हैं, सृष्टि को देख रहे हैं, आकाश को देख रहे हैं, जो भी कुछ उपलब्ध है परमेश्वर ने अपने बुद्धि से बनाया है। उसके पास इतनी बुद्धि, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है किसी इंसान या किसी प्राणी में या फिर किसी भी इस लोक में या फिर किसी भी जगह न स्वर्ग में न कोई उसके बराबरी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पवित्र है, वो परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे जीवन में सूर्य उदय करूंगा, क्योंकि तेरे जीवन में जब सूर्य उदय होगा तो तू जीवित रहेगा और उस सूर्य को देख पाएगा। इसीलिए परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं, हमारी देख रेख करते हैं कि परमेश्वर की हम महिमा कर सके, उसकी स्तुति कर सके। तो आइए आप चलते हैं प्रार्थना की ओर और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर सम्मान करते, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता कि आपने हमें सुरक्षित रखा। आज हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के मुसीबत से, हर प्रकार के डिप्रेशन जो हमारे अंदर हैं, किसी भी बात की कोई डिप्रेशन लेकर के अपने मन में चिंताएँ बैठा करके बैठा है पिता, आज उसको छू मेरे पिता परमेश्वर, आज उसके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। आप तो सर्वशक्ति हैं, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले पिता आप हैं, हर एक चीज को देने वाले पिता आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो प्रार्थना और प्रेयर को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें बहुत कुछ दिया पिता परमेश्वर, आपने हमें ज्ञान बुद्धि और समझ और ताकत दी, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया पिता परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहन धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना परमेश्वर, आज आपको छूने जा रहा है, हर एक प्रकार की कमियों से दूर करने जा रहा है, जो आपके जीवन में चिंताएं हैं अपने बच्चों को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, अपने बेटी के जीवन को लेकर के, एक अच्छे रिश्ते की आपकी तलाश है, एक अच्छे जॉब की, एक अच्छे बिजनेस की आप करना चाहते, तो परमेश्वर आज आपको अभिषेक करने जा रहा है, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतमंद को परमेश्वर देने जा रहा है, हर एक जरूरत चीज़ों को परमेश्वर देने जा रहा है। धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। जिसने विश्वास किया, जिसने धैर्य रखा, परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। वो सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर आज जिसके अंदर भी नकारात्मक विचार हैं, आज अपने हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के डिप्रेशन, हर प्रकार की मुसीबत, अपनी सोच, अपनी समझ, अपना बिजनेस, जो भी कुछ है, आज परमेश्वर के सामने उपस्थित करिए कि पिता हम जानते हैं आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो ज्ञानी हैं पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो आज अपने बीमारों को पर हाथ रखें। जो भी व्यक्ति, जो भी मेरे भाई, जो भी मेरी बहन इस समय बीमार है, वो दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हो चुके हैं अपने लाइफ से, अपने जीवन से, अपनी बीमारी से, तो उस बीमारों को पर हाथ रखें। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आज आपको छुएगा विश्वास के द्वारा। धैर्य रखना, पेशेंस रखना, भरोसा रखना, क्योंकि विश्वास, बिलीव करना, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए कि आज परमेश्वर आपको छूने वाला है। बीमार अंगों पर हाथ रख करके अपनी इस प्रार्थना को परमेश्वर के सामने उपस्थित करिए, कहिए कि पिता मेरे जीवन में ये बीमारी है, मेरे जीवन में ये दुख है, मेरे जीवन में संकट है, मेरे बेटे के जीवन, मेरी बेटी के जीवन में आज मैं आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मैं पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक के लिए पिता परमेश्वर आज्ञा देती हूँ पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आज जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज हमें हर प्रकार के दुखों से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार की जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम से, आज उसको दूर करने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत आपको आदर महिमा सम्मान करते। इस तरीके आप हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में गवाहियां देते पिता, मेरे जीवन में दीजिए पिता परमेश्वर, आज मुझे चाहिए पिता परमेश्वर, मेरे घर में चंगाई चाहिए, मेरे घर में पैसे की प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है पिता, आज मुझे चाहिए। आज हर मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह बोलेगा, हर एक मसीह भाई बहन अपनी प्रॉब्लम को परमेश्वर के सामने रखेगा, उपस्थित करिए परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के चरणों पे जाकर के प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके चरणों पे आते हैं पिता परमेश्वर, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की परमेश्वर।
हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बढ़ाई करते हैं पिता परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर आज अभिषेक करने जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन बहुत ऐसे आपको आशीष देने जा रहा है। हर एक मसीह भाई बहन को छूने जा रहा है पिता परमेश्वर। बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है परमेश्वर। आज विश्वास रखना भय रखना भरोसा रखना हर प्रकार के नकारात्मक विचार को हर एक प्रकार के को आपको परमेश्वर आपके खत्म करने जा रहे हैं मसीह के नाम से। आज उनको छू पिता परमेश्वर आज उनको ब्लेस कर उनको अभिषेक कर पिता परमेश्वर। जो इस समय बीमार पड़े हैं पिता परमेश्वर जो अपने बीमारों पर हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर आज उसको चंगा करें मसीह के नाम से। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेंगे पिता परमेश्वर मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बढ़ाई करते हैं मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। आज छोटे बच्चों को पिता परमेश्वर आज उनके घर के लोगों को उनके हर सदस्यों को पिता उनके भाई और बहनों को उनके घर परिवार माता पिता भाई बहनों को सभी को छो पिता परमेश्वर छो पिता परमेश्वर। आज उनको अभिषेक कर पिता परमेश्वर जिस समय धैर्य रखते हैं पेशेंस रखते हैं आपके ऊपर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर आज उनके विश्वास को पिता परमेश्वर आज मजबूत करिए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। उनके अंदर से तमाम प्रकार के नेगेटिव विचार को पिता परमेश्वर हर प्रकार के शक को पिता परमेश्वर दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश है संसार में पिता हम जानते हैं पिता परमेश्वर। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो क्लेशों से जूझ रहे हैं परेशानियों से दुख से मुसीबत से बीमारी से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन को आप छूने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए मेरी चिंता जीवित हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु आपको छूने जा रहा है। आप रोते हैं आपके दिल में इस समय दर्द है परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा आपको आशीष करेगा। अपनी हर एक नम्रता परमेश्वर के सामने रखिए परमेश्वर के सामने रखिए क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा आपको आशीष करेगा। अपने दिल को छोटा करिए अपने दिल को परमेश्वर के सामने छोटा रखिए पिता मैं जानता हूँ मेरे पास जो है पिता परमेश्वर जो भी कुछ है पिता आपका दिया हुआ है पिता परमेश्वर। मेरा पिता परमेश्वर आपने मेरे जीवन में बहुत काम किया पिता परमेश्वर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियां सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार की बीमारियों को हर प्रकार के अंगों को जो बीमार अंग है पिता परमेश्वर जो तमाम प्रकार की बीमारियों उनके जीवन में आ चुके हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार के बीमार अंगों को पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं विनती करते हैं निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप छूने जा रहे हैं पिता परमेश्वर हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। छू पिता परमेश्वर छू पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ देने जा रहा है। धैर्य रखना विश्वास रखना भरोसा रखना। आज वो शैतान जो आपके जीवन में काम करता है आपके बेटी के जीवन में आपके घर में आपके बेटे के जीवन में जो आपके घर में शैतानी ताकत है आज वो आज दूर होने वाली है। आज वो शैतान जो शैतान है जो आदि से लेकर के आज तक पिता परमेश्वर हम इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते विनती करते हैं जो आदि से लेकर के आज तक मनुष्यों को सताते आया है पिता परमेश्वर वो शैतान को पिता परमेश्वर जो तमाम प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन में लाता है पिता परमेश्वर हमारे बिजनेस में हमारे जॉब में हमारी बेटी के जीवन में हमारे बेटों के जीवन में हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है अलग अलग तरह तरह की बीमारियों को हमारे जीवन में लाता है पिता परमेश्वर। उस शैतान को पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि इस मसीह के नाम से आज वो चल न जाए इस मसीह के नाम से आज वो शैतान चलेगा इस मसीह के नाम से। आज वो कांपेगा आज वो आपके घर से भागेगा। धैर्य रखना विश्वास रखना भरोसा रखना क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको छूने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत ऐसा आपको आशीष देने जा रहे हैं आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आज आप निर्बल हैं आज परमेश्वर जानता है कि आज आप निर्बल हैं आपके पास ताकत नहीं है आपके पास ज्ञान नहीं बुद्धि नहीं समझ लेकिन परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा आपको आशीष करेगा। हर प्रकार के जो अंधकारी रोग है पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह की बीमारियों को झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं आज्ञा दीजिए इस मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए अपने हर एक प्रकार की बीमारियों को लेकर के हर प्रकार की मुसीबत को लेकर के तमाम प्रकार की जो महामारियां हमारे देश में हमारे संसार में जो भी है इस मसीह के नाम से आज वो जाने पाए इस मसीह के नाम से। जो इस समय कोरोना से पिता परमेश्वर पीड़ित हैं पिता परमेश्वर जिनके पास जो मैसेज करते हैं एसएमएस के द्वारा पिता परमेश्वर कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं पिता उनको आज छो पिता परमेश्वर आज उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर। जो इस समय महामारी से जूझ रहे पिता परमेश्वर उसके जीवन को छो पिता उनकी बेटी के जीवन को छो पिता उनकी बेटी के भी जीवन है पिता परमेश्वर बहुत अच्छे पिता परमेश्वर उनको सामर्थ्य ज्ञान दे बुद्धि दे ताकत दे पिता परमेश्वर उनके हाथों को उनको पैरों को मजबूत कर पिता परमेश्वर ताकि वो आपसे प्रार्थना कर सकें आपसे विनती कर सकें आपसे निवेदन
निवेदन कर सके पिता परमेश्वर, हर प्रकार के जो जुकाम बुखार तमाम प्रकार के हैं आज वो सब कुछ दूर होने वाला इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार का जुकाम जाने वाला, हर प्रकार का जो आपके अंदर आपके बेटे के आपके परिवार में घर में जो फीवर है आज वो दूर होने वाला है, जो सर्दी है आज वो दूर होने वाली है इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के आज परमेश्वर आपके जीवन की हर एक बीमारी को, चाहे वो रोगाड़ू हो विषाणु हो किसी प्रकार से, आज वो परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा, आपकी वो सुरक्षा करेगा, आपकी देख रेख करने जा रहा है परमेश्वर। इसीलिए धैर्य रखना, भरोसा रखना, विश्वास रखना, प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। तमाम प्रकार के जो कैंसर के पेशेंट है इस मसीह के नाम से, आज उनके जीवन की हर एक प्रकार की पीड़ा, हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारी, जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है पिता परमेश्वर, बहुत सारी बीमारियां इस मसीह के नाम से आज वो जाने पाए इस मसीह के नाम से। जिस समय कर्जे से बंधे है पिता परमेश्वर, जो कर्जे से दबे हैं, अनेक प्रकार के श्राप इनके जीवन में है, अनेक प्रकार के इनके जीवन बंधन इस मसीह के नाम से, जो शैतानी ताकत इनके जीवन में काम करती है पिता परमेश्वर, आज हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर। आज हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन को सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। जो हमारे दर्द थे, पैरों में दर्द, सीने में दर्द, अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में जीवन में, आज वो सब को दूर होने वाली है। बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत मसीह भाई बहनों के कमेंट जो आता है पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। उन बहनों के जीवन पिता परमेश्वर छो जिनके पास ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर। डॉक्टर ने कहा है कि आपके बॉडी में ब्लड की कमी है, सूजन है पिता परमेश्वर, आज उसको छूने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहे हैं। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर कि आप उनके छुआ पिता परमेश्वर, आज उनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर। स्किन प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, खांसी हो, किसी प्रकार की पीलिया गांठ जो भी पिंपल्स होते हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह के जो अंग है पिता उनको आप छू पिता परमेश्वर, आज उसको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करते हैं पिता परमेश्वर। सिर से लेकर के पैर तक तमाम हर प्रकार के अंगों को आप छुए पिता परमेश्वर। जो बीमार अंग है पिता उसको चला दीजिए इस मसीह के नाम से, उसको आज झुलसा दीजिए पिता इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की मधुमेह की बीमारी, ज्वार चक्कर आना और उससे लकवा रोगी, अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उनके पास, दर्द है पैरों में, दर्द है हाथों में, दर्द है, जो टीबी के मरीज है, जिनको नींद की प्रॉब्लम्स है, जिनकी बीपी हाई ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जो भी कुछ इस मसीह के नाम से, आज उनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार के संकट को, हर एक प्रकार के क्लेश को, हर प्रकार के जो उनके जीवन में बंधन है इस मसीह के नाम से, श्राप है, कर्जे से वो दबे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है पिता परमेश्वर, उनके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं है पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को अच्छो पिता परमेश्वर, आज उसको ब्लेस करने जा रहे हैं पिता, उनको आशीष करिए पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से। हम पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार संकट के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो फिजिकली प्रॉब्लम्स हो पिता परमेश्वर, मेंटली प्रॉब्लम्स हो पिता परमेश्वर, मानसिक रोग हो पिता परमेश्वर, मानसिक बीमारी हो पिता परमेश्वर, हृदय रोग हो पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के जो आपके जीवन में दर्द हैं, चाहे वो फिजिकली आप कमजोर हो चुके हैं, आप वीक हो चुके हैं, क्योंकि आज परमेश्वर आपको नया करने जा रहा है, आज आपके जीवन में परमेश्वर अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर, आपके जीवन वो ताकत, वो एनर्जी, वो ताकत देने जा रहा है परमेश्वर, कि आपको संभालने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। जो टूट चुके हैं, जिनका मन टूट चुका है कि हमारी शरीर नहीं सही हो रही है, हम बहुत कमजोर हैं, हम बहुत पतले हैं, जो मोटे हैं, जो अपने आप को कम करना चाहते हैं, वो भी परमेश्वर उनको आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। विश्वास रखना, धैर्य रखना, आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, परमेश्वर आज आपको अभिषेक करेगा। जो इस समय कमजोर हैं, वीक हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं हर एक मन से जो कमजोर हो चुके हैं, अपने आप को दुखी जानते हैं, अपने आप को परेशान समझते हैं कि मैं परेशान हूँ अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली है। तमाम प्रकार की बीमारियां आज विश्वास रखना, इस प्रार्थना को केवल रिसीव करिए, रिसीव करिए, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। अगर जिसने रिसीव किया परमेश्वर उसके जीवन में अभिषेक करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा, आज वो मसीहा हमारे जीवन में आएगा, आज उसके मसीहा के स्वर्गदूत हमारे पास हैं इस मसीह के नाम से। हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें संभाला, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों को झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के महारोग से पिता परमेश्वर हमें हर संकट से क्लेश से बचा हैं पिता परमेश्वर, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिजिकली हम प्रॉब्लम्स में पिता परमेश्वर, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, हमें नींद नहीं आती पिता परमेश्वर, हमें जो भी प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में, जीवन में हमारी मानसिक तनाव, डिप्रेशन, चिंताएं बहुत हैं पिता परमेश्वर। आज आपके जीवन के पिता परमेश्वर हर एक घटनाओं को लेकर के मैं आपके सामने रखता हूँ पिता परमेश्वर, कि आप मुझे अभिषेक करें, मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारी अंगों को आपके जीवन से जाने वाली इस मसीह के नाम से। धैर्य रखना,
विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आपके परिवार को और आपको हर पल हर समय हर घड़ी जो दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, जो कर्जे से दबे हैं, आपके घर में श्राप है, कर्जे से आप मुक्त होना चाहते हैं, तो परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। चंगाई के लिए प्रार्थना करते, नौकरी के लिए प्रार्थना करते, घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते, कर्जे से जो आप दबे हैं, प्रभु आज हम दुख में है, परेशानी में, मुसीबत में, तकलीफ में है, पिता परमेश्वर आज हमें आजाद करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर आज इन हर चीज़ों से परमेश्वर हमें अभिषेक करने जा रहा है। विश्वास रखना, विश्वास रखना, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। यस, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बढ़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आप इनको छुआ पिता परमेश्वर, इनके घर में जो कर्जे से दबे हैं पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति नहीं सही है पिता परमेश्वर, इनके घर में पिता परमेश्वर बिजनेस नहीं चलता है, इनके जॉब पिता परमेश्वर नहीं लग रहे हैं, इनके घर में परिवार में प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं, दुख में, मुसीबत में है पिता परमेश्वर। आज इनकी प्रार्थना को परमेश्वर आप सुनेंगे पिता परमेश्वर, आज इनकी प्रार्थना को पिता आपने सुना पिता परमेश्वर, बहुत बहुत आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। कहिए कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, मैं रिसीव किया परमेश्वर, मैंने परमेश्वर की प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया, अभिषेक किया। परमेश्वर आपको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियां जाए इनके जीवन से पिता परमेश्वर, जो इस समय कर्जे से दबे हैं पिता परमेश्वर, शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, अपने बेटे के जीवन के लिए, अपने बेटे को जीवन के लेकर के परेशान है, चिंतित हैं, डिप्रेशन में, मुसीबत में, हर प्रकार की समस्याओं से ये पिता परमेश्वर आजाद होना चाहते हैं पिता, आज इनको आप छू पिता परमेश्वर, आज इनको छू पिता परमेश्वर, आज इनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन बहुत सारी बड़ी बड़ी गवाहियां हो पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन में परमेश्वर, परमेश्वर आज इनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां आज दीजिए पिता परमेश्वर, कि अपनी गवाही को दूसरों शेयर कर सके, जो मुसीबत में है, क्योंकि हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर ने हमें बचाया है, तो अपनी गवाही दे सके पिता परमेश्वर। विश्वास रखना, धैर्य रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छुएगा, आज आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रुगाड़ विषाड़ और निर्बलताओं से जो आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपके घर में आपके जो शैतानी ताकत काम कर रही, इस मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस कर पिता परमेश्वर, उसको अभिषेक कर पिता परमेश्वर, और शैतान की ताकत को जला दे, इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते, इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।